रणजीत सिंह कतल मामले दे विच डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम समेत पांच दोषियों नूं सजा सुनाउण दा फैसला 18 अक्तूबर नूं सुनाया जाएगा। अज पंचकुला दी विशेष सीबीआई अदालत दे विच सजा दा फरमान सुनाए जाण दीआं क्यास राईआं लगातार लगाईआं जा रहीआं सन। रणजीत सिंह कतल मामले दे विच सजा सुनाई जा सकदी सी पर फिलहाल अदालत वल्लों फैसले नूं 18 अक्तूबर तक राखवां रख लिया गया है। इस तों पहलां ही साध्वी जौन शोषण मामले दे विच गुरमीत राम रहीम रोहतक दी सुनारिया जेल दे विच जेल कट रहे। इस तों इलावा राम रहीम नूं रामचंद्र छत्रपती दे केस दे विच वी उमर कैद दी सजा सुनाई जा चुकी है अते हुण तीजे केस दे विच घट तों घट उमर कैद ते वध तों वध मौत दी सजा सुनाई जा सकदी है। दासी की जेल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत दे विच गुरमीत राम रहीम नूं पेश कीता गया। रहम दी बेनती भी राम रहीम वल्लों कीती गई है। अदालत दे सामने डेरा सच्चा सौदा वल्लों अपने डेरे वल्लों कीते गए चंगे कार्जां दी सूची दिखाई गई है। 19 साल पुराने रणजीत सिंह कतल केस दे वकील HPS वर्मा वल्लों अदालती कारवाई तो बाद बाहर आके दस्या गया है कि अज अदालत दे विच सारा दिन कारवाई चलदी रही पर कारवाई पूरी ना हो सकी। मुलजिम धिर दे वकीलां वल्लों भी अदालत दी जजमेंट पढ़न दे लई समें दी मंग कीती गई सी जिस तों बाद अदालत ने 18 अक्तूबर दी अगली तारीख पाई है। वकील वल्लों बाहर आके अदालती कारवाई बारे होर की अहम जानकारी सांझी कीती गई है, तुसीं खुद सुन सकदे हो। अज सब तों पहलां तां जो सुनवाई दे दौरान ऑनरेबल कोर्ट ने जिहड़े कन्विक्ट्स हैं उन्हां दीआं स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कीतीआं जी। उन्होंने पनिशमेंट बारे इस जजमेंट बारे उन्होंने जिहड़ा गिल्टी होल्ड कीता ऑनरेबल कोर्ट ने उहदे बारे की कहणा है। स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करन तों बाद क्वांटम ऑफ सेंटेंस दे आर्गूमेंट्स शुरू कीते गए और CBI वल्लों आर्गूमेंट्स कंप्लीट कीते गए ने और उन्होंने एक डिफेंस काउंसल मिस्टर PK संधीर ने भी अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट करते कंक्लूड करते। बाकी एक्यूज्ड वालों बाकी कन्विक्ट जोड़े है उन्होंने वालों रिक्वेस्ट की गई कि सानू टाइम चाहिए, असी फुली प्रिपेयर नहीं हाँ। जो जजमेंट्स प्रोसीक्यूशन ने पेश किए ने असं उन्होंने गो थ्रू होना है, वो पढ़निया ने, इस करके सानू टाइम दिता जाए। सो उन्होंने रिक्वेस्ट ऑनरेबल कोर्ट ने 18 तरीक इस केस लगाई है, उन्होंने उस दिन सुनवाई का मौका दिता गया। सर 8 पेज की जी गुरमीत राम रहीम वालों सारी चीज़ा लिखी गई है, अपनी चैरिटी बारे दसया गया है, तो तुम जे CBI के वालों किस तरह की अपील जी की गई है, क्योंकि पूरा दिन अज जो गुरमीत राम रहीम सिंह ने अपनी स्टेटमेंट उतों जेल विचों भेजी लिख के वह इंग्लिश ट्रांसलेशन अज कोर्ट के किया गया उन्होंने वकील वालों और उन्होंने वापस भेज के साइन करवाए गए और उस स्टेटमेंट के उन्होंने अपन जो प्राप्तियां ने डेरे वालों की गई जिमें आई कैंप्स लगाए, ट्रीज प्लांटेशन कैंप लगाए गए या कि कोई भूचाल भूकंप आया उत्थे कोई राहत समग्री भेजी गई वो बारे काफ़ी कुछ लिखा होया और उन्होंने एक चीज़ होर भी लिखी कि मैं कुछ हैल्थ प्रॉब्लम्स ने जिमें ब्लड प्रैशर है, मेरा अखा च मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैनू कोई किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, वो भी उन्होंने एक प्ली अपने स्टेटमेंट के लिखी है। असी अज अपने वालों कुछ साइटेशन पेश कीतियां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दियां, उन्होंने बेसिस से असी मैक्सिमम सेंटेंस की मानयोग अदालत तो मांग की, यानी डेथ पेनल्टी की मांग की, जो मैक्सिमम सेंटेंस प्रेस्क्राइब्ड है 302 जैसी उसकी मांग की। सर 18 अक्टूबर को हुन दोबारा तो बहस होएगी या सीधा सुरक्षित जेड़ा फैसला रखा गया 18 तारीख को जेड़े बाकी कन्विक्ट्स ने उन्होंने वकील साहबान आर्गूमेंट्स करेंगे उस तो बाद ऑनरेबल कोर्ट फैसला सुनाएंगे।